वेलकम टू फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के बारे में। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं राहुल द्रविड़ के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ का जन्म इंदौर मध्य प्रदेश के एक मराठा परिवार में 11 जनवरी 1973 को हुआ था। इनके पिता का नाम शरद द्रविड़, वहीं इनकी माता का नाम पुष्पा द्रविड़ था। इनके पिता शरद द्रविड़ किसान कंपनी में काम करते थे, वहीं इनकी माता पुष्पा बेंगलोर में स्थापित एक कॉलेज में आर्ट्स की प्रोफेसर थी। इनका एक छोटा भाई है जिनका नाम है विजय द्रविड़। राहुल द्रविड़ अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल में स्टडी किए। इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से ही कॉमर्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दोस्तों यदि बात करें राहुल द्रविड़ के वाइफ के बारे में तो आपको बता दें कि इनकी पत्नी का नाम विजेता पेडारकर है, जिनके साथ इन्होंने 4 मई 2003 को शादी रचाई। यदि बात करें इनके बच्चों के बारे में तो इनके दो बेटे हैं, एक का नाम समित द्रविड़, वहीं दूसरे का नाम अन्वय द्रविड़ है। दोस्तों राहुल द्रविड़ ने 12 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था और अपनी स्कूल टीम के लिए इन्होंने शतक भी बनाया था। हालांकि वह कर्नाटका में रहते थे लेकिन मराठी परिवार से थे, इसलिए इनकी मातृभाषा भी मराठी है। इनके पिता जैम बनाने की एक फैक्ट्री में काम किया करते थे, जिसके कारण राहुल का भी निकनेम जैमी मिला। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2004-05 में द्रविड़ को एक ऑनलाइन सर्वेक्षण में भारत का सेक्सीएस्ट स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के रूप में चुना गया था। बचपन में इन्हें हॉकी का भी जुनून था और वास्तव में इनका चयन कर्नाटका की जूनियर राज हॉकी टीम में भी हुआ था। बेंगलोर में स्कूल स्तर पर एक स्थानीय टूर्नामेंट होता था जिसका नाम उन्हें उपनाम जैमी कप के नाम पर रखा जाता है और मैन ऑफ द मैच को जैमी ऑफ द डे का खिताब मिलता है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल द्रविड़ बल्लेबाजी में अपनी तकनीक के लिए जाने जाते हैं और उन्हें क्रिकेट की दुनिया में आदर्श बल्लेबाज भी माना जाता है। हालांकि राहुल द्रविड़ को एक टेस्ट बल्लेबाज माना जाता है, लेकिन अजीत अगरकर की 21 गेंदों में 67 रनों के बाद वनडे में भारतीय बल्लेबाजों के बीच दूसरा सबसे तेज 50 राहुल द्रविड़ के नाम ही है। और दोस्तों आपको बता दें कि जून 2021 में श्रीलंका में होने वाले सीमित ओवर के दौरे के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच भी राहुल द्रविड़ बने। फिर 3 नवंबर 2021 को बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को वरिष्ठ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया और इनकी पारी की शुरुआत इसी महीने न्यूजीलैंड के घरेलू सीरीज से हुई। दोस्तों यदि बात करें राहुल द्रविड़ के कुछ रिकॉर्ड्स के बारे में तो आपको बता दें कि टेस्ट में इन्होंने 5 दोहरे शतक बनाए हैं और प्रत्येक में पिछले मैच की तुलना में अधिक स्कोर किया था। इनकी कप्तानी में जीते गए मैचों में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड भी राहुल द्रविड़ के नाम ही है। सचिन तेंदुलकर के बाद द्रविड़ टेस्ट और वनडे दोनों में 10,000 रन पार करने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। दोस्तों यदि बात करें इनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू 20 जून 1996 को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में किया। फिर इन्होंने वनडे डेब्यू 3 अप्रैल 1996 को श्रीलंका के खिलाफ सिंगापुर में किया। दोस्तों यदि बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में तो इनका नेटवर्थ है करीब $20 मिलियन। वहीं दोस्तों बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो राहुल द्रविड़ के पास एक मर्सिडीज और एक ऑडी कार है। तो दोस्तों यह थी राहुल द्रविड़ के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।